दोस्तों पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे पिछड़ा है और सबसे दूर पड़ता है। चित्रकूट जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर और मऊ मानिकपुर विधानसभा का सबसे अंतिम गांव जो मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ता है वो गांव है कटैया डंडी का गांव। ये ऐसा गांव है जहां पे विकास किस तरीके से है यहां पे देखने वाली बात है, क्योंकि जो आजादी के बाद 7 दशक बीत गए हैं उसके बाद भी लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार इस गांव में भी है। पीने की पानी की समस्या का जिक्र बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप अभी कुछ बता रहे थे कि यहाँ जो दिक्कतें हैं किस तरह की दिक्कत है। यहाँ पानी वाली बहुत दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है। तो अभी तो कल तो सांसद जी आए थे तो वो तो बोल रहे कि पानी आएगा, लेकिन वो तो चले गए बोल के पानी आएगा। अब कब तक में पानी आ रहा है ये? विधायक तो जी कब से नहीं आए? विधायक जी तो वही, विधायक जी तो हमने मेरे एक दार आए रहे यहाँ, जब फोन उन कर रहे हुए लॉकडाउन के समय में, तब से कहाँ आए तो हुआ नहीं आ रहे, मन कहाँ आ रहे हैं, कहाँ? आपको विधायक का नाम पता है? आपको पता है आनंद शुक्ला? सांसद का नाम आर के पटेल? दोनों का नाम पता है? समस्या नहीं सुधरी? कोई मतलब देखिए कोई नहीं हुआ। अच्छा बोल दे तो कहीं आएगा, हो जाएगा। प्रधान जी कौन है? प्रधान जी दिनेश है। वो कुछ नहीं करते? प्रधान जी कहा था कि हमारे बस के पूरे गांव की समस्या दूर करने की, भाई हम अपनी शाही जूझ रहे हैं, क्या करें हम। अच्छा मतलब जीतने के बाद भी जूझ रहे हैं? हाँ जूझ रहे हैं, कहीं हम सगल आते हैं जाते हैं, सगल सूचना देते हैं, नहीं आ रहा तो बताइए हम क्या करें। हमारे साथ युवा भी है यहाँ के, जो है क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ बड़ी बड़ी। सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोग शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार, सबसे बड़ी समस्या। और जो सड़कें हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, एक बार बनी और दोबारा डामरीकरण भी नहीं हुआ। और गांव की जो छोटी मोटी गलियां भी हैं ना, तो कभी उनको देख रेख के लिए कोई आता है, ना तो विधायक ना तो सांसद, कोई भी देखने नहीं आता। और पूरी तरह से नालियां में मतलब चलना नामुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो ना निकल पाते हैं, कीचड़ में फंसे हुए रहते हैं। अब कोई घर का व्यक्ति आए उनको स्कूल तक पहुंचाए। कितने नंबर देंगे प्रधान जी को पिछले 5 वर्ष से काम किए? मैं प्रधान जी को तो यह है कि इस 5 वर्ष में तो जहाँ नहीं तो ज्यादा तक नहीं तो 60-70% प्रधान जी का किए हैं, ऐसा नहीं है। जो पूर्व प्रधान जी थे और उनके भी पिछले जो प्रधान जी थे उनका काम, कोई विकास कोई गाँव में हुआ नहीं, ना तो कोई दिख रहा है। मजदूर हैं कुछ, उनसे बात कर लेते हैं। फावड़ा है और पानी का इंतजाम है, कुल्हाड़ी भी ले रखा है आपने, क्या लगता है कि विकास कुछ हुआ है? विकास? हाँ कुछ जानते हैं विकास के बारे में? विकास अब क्या हुआ, विकास यही रोड रोड बन गई है। बस आपके हाथ में सब जो दिख रहा है, आपको कुछ फायदा मिला आज तक? फायदा कुछ नहीं योजनाओं का। आपके गाँव में दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं सर, ठीक है। यहाँ नेता आते हैं जिनको चुनते हैं आप? नेता होता हम नहीं जान साहब, हम मजदूर आदमी, अपन काम धाम में रह के खेती। नहीं तो बात तो सरकारें मजदूरों की ही करती है ना, कि हम रोजगार देंगे उनको, सुविधाएं देंगे, तो आप तो ऐसा क्यों कह सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जानते नहीं कुछ? मेरे गांव में कहेगी परेशानी। दादा जी क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है? कुछ 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 बतावा, कुछ बतावा। कमजोर ही कब दिखा नहीं आएगा क्या है क्या है? रोड रोड बन गई है, पानी उनका पानी भर के प्रॉब्लम है, बम भी लग गई है अंदर, पानी नहीं जा रहा। आपको रोजगार के लिए क्या साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? रोजगार दे रही सरकार? मिल रहा है? अरे हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोले ये ना कि क्यों नहीं मिल रहा, बताइए क्यों नहीं मिल रहा है? अब हम क्या जाने क्यों नहीं मिल रहा है भाई।